What's up, everyone? This is Deepak Sigohi. This is Tamanna Sigohi. And welcome to Being the Fittest. 30 days चैलेंज का ये दूसरा हफ्ता है, आज डे 8 है। एक हफ्ते के अंदर 1 से 1.5 किलो वजन जो है वो कम हो जाना चाहिए। 1 किलो वेट तो मिनिमम कम करना है, क्योंकि पूरे हफ्ते में यानी कि 4 हफ्ते में 5 किलो वजन कम करना है। तो 1 किलो 250 ग्राम हर हफ्ते वजन कम होगा तो 4 हफ्ते में 5 किलो वजन कम होगा। अगर नहीं हुआ है आपका वजन कम तो आपको फिजिकल एक्टिविटी जो है यानी इस एक्सरसाइज के अलावा बताया गया है कि आपको 1 घंटा वॉकिंग करना है, बराबर है, वो ऑन ट्रैक रखना है, एक भी दिन स्किप नहीं करना है। दूसरी बात, जो आप डाइट ले रहे हो डाइट में थोड़ी सी कटौती करना है, राइट, 10% इतना फूड रिड्यूस कर दीजिए ताकि जो ये वेट लॉस कम हुआ है या नहीं हुआ है तो वो स्पीड पकड़े। थोड़ी तकलीफ सहन करनी ही पड़ेगी क्योंकि हमें बॉडी को ट्रांसफॉर्म करना है। तीसरी बात है फिजिकल एक्टिविटी की, घर पे आपने 1 घंटा वॉकिंग कर लिया, आपने एक्सरसाइज कर लिया, फिर भी नहीं हो रहा है तो आपको दिन के दरमियान आपके घर पर एक्टिव रहना है। हो सके तो हर घंटे में 5-10 मिनट जितना चल लीजिए, राइट। तो पूरे दिन के दरमियान मानो आपने 4 टाइम भी चला है 5 से 10 मिनट, तो वो हो गया कम से कम 20 से 40 मिनट का वॉक आपका हो गया घर पर ही। इसके अलावा आप 1 घंटा तो जो जाते हो करने के लिए वो तो करोगे ही, और साथ ही साथ आपके डाइट पर ध्यान दीजिए, कुछ भी आड़ा टेढ़ा मत खा लीजिए, बराबर, क्योंकि 30 डेज जो आने वाले हैं वो हमारे जिंदगी के सबसे बेहतरीन होने वाले हैं। खुद को ट्रांसफॉर्म करना है तो अपने गोल पर फोकस्ड रहिए और पूरे दिन इसी के बारे में सोचना है कि कैसे मैं जो मेरा टारगेट है उसको अचीव करूं, बराबर। हो सके तो आपके बेडरूम में, राइट, आप जहां पर भी आप ज्यादा समय पसार करते हैं वहां पर दीवार पे कुछ लिख दीजिए, कुछ फोटो रख दीजिए, मोबाइल में वॉलपेपर रख दीजिए, राइट, ताकि आपका गोल है वो आपको पूरे दिन याद आता रहे। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का वार्म अप। फुल बॉडी स्ट्रेंथ वर्कआउट करने वाले हैं, उससे पहले वार्म अप, दोनों हाथ आगे की ओर 5 बार घुमाएंगे हम। चलिए 1 2 यस, आपकी वॉच में स्टार्ट ना किया हो तो स्टार्ट कर लीजिएगा। फंक्शनल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या ट्रेडिशनल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो भी है उसमें ऑन कर लीजिए। लेट्स गो, 1 2 3 4 5 रिवर्स, 5 4 3 2 1 एल्बो सर्कल्स, एल्बो को अंदर की ओर लेंगे हम, 5 4 3 2 1 रिवर्स, 5 4 3 2 1 हाथ ऊपर उठाएंगे, कान से टच एंड साइड बेंडिंग, 1 2 3 4 5 हाथ चेंज, 1 2 3 4 5 बैकवर्ड बेंडिंग पीछे की ओर, 1 2 3 4 5 फॉरवर्ड बेंडिंग आगे की ओर 10 times, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 ट्विस्टिंग, अपनी ही जगह पर ऊपर आ जाइए, यस एंड ट्विस्ट, 1 हिप जॉइंट फिक्स्ड, अपर बॉडी घुमाना है खाली, 4 5 हिप रोटेशन गो, 1 2 3 4 and 5 एंटी क्लॉक, 5 4 3 2 and 1 नी सर्कल्स, 1 2 3 4 5 एंटी क्लॉक, 5 4 3 2 काफ रेज, अपनी जगह पर ब्रीद आउट एंड गो अप, 1 2 3 4 and 5 शोल्डर रोटेशन, 1 2 3 4 साइड रेज, 5 1 2 3 4 5 शोल्डर प्रेस ऊपर की ओर, 5 4 3 2 1 फ्रंट रेज, 1 2 3 4 5 फ्लाई, 1 2 3 4
फाइव, शोल्डर फॉरवर्ड्स रखा है कि और 1, 2, 3, 4, 5, पीछे की ओर 5, 4, 3, 2, 1, ऊपर की ओर 5, 4, 3, 2, 1, नेक डाउन एंड अप, नेक डाउन एंड अप, साइड टू साइड 1, 1, 2, 2, अपने आसपास 1, 1, 2, 2, रोटेशन, नेक रोटेशन, आराम से करना, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, इजी, एंटी क्लॉक 1 एंड 2, बहुत बढ़िया। अपनी जगह पर हम स्पॉट चॉक करेंगे हम, यस 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड हाई नी गो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 जंप गो, टो जंप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ट्विस्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 जंपिंग जैक गो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड डैम सुपर्ब, गुड। फुल बॉडी स्ट्रेंथ वर्कआउट है, आपने 10 डेज वाला जो 30 डेज प्रोग्राम था वो फॉलो किया होगा, या इवन ये 30 डेज सीरीज का पहला हफ्ता फॉलो किया होगा, आपको एक चीज बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी कि वर्कआउट का फॉर्म बहुत ही जरूरी है, राइट। कार्डियो करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है, और जो आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो, मस्कुलर एक्सरसाइज करते हो, मोर प्रिसाइसली जो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते हो, उसमें वर्कआउट का फॉर्म कंट्रोल के साथ करना बहुत ही जरूरी है, राइट। कार्डियो की तरह इसमें झटके मत लगाइए, इसमें झटके नहीं लगाने हैं, मसल्स को इंगेज करना है, इंगेज करके मूवमेंट करनी है, राइट। तो चलिए सबसे पहली एक्सरसाइज हम करने वाले हैं साइड लंज, बराबर। स्क्वाट्स करने के लिए हम ये डिस्टेंस लेते हैं, इससे थोड़ा सा वाइड डिस्टेंस ले लीजिए, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी के अनुरूप लीजिए, बराबर, यस। यहाँ से जो आपके पंजे हैं 30-40 डिग्रीज आउट, बराबर, एक साइड में आपको बैठना है, यहाँ से हिप्स को पीछे लेते हुए साइड में बैठना है, ऊपर आ जाइए। आप ज़्यादा नहीं बैठ सकते, चिंता मत कीजिए, आधा बैठिए नीचे, इस तरीके से हाफ कीजिए एंड कम बैक, राइट। ईच लेग 10 रैप्स करेंगे हम, चलिए तैयार हो आप, ओके, ब्रीद इन, और लेफ्ट साइड जाना है, बैठना है, आपका घुटना जो होगा वो लेफ्ट साइड, जो आपके पंजे हैं उसकी डायरेक्शन में रहेगा, सिंगल साइड करना है हमें 10 रैप्स, ठीक है। चलिए 1, गो एंड कम बैक, नाइस, 2, नाइस, 3, ब्रीद इन, 4, 5, कॉन्सेंट्रेट, 6, आपका घुटना पंजों की लाइन में, 8, 9, एक और 10, बढ़िया, उसी तरह राइट साइड 1, 2, 3, 4, कंट्रोल के साथ बैठना है 5, 6, गुड 7, यस 8, 9, 10, सुपर। अब करना है ब्रिज, आज थोड़ा ब्रिज अलग तरीके से करेंगे हम, 5 रेपिटेशन करने हैं और उसके बाद 5 सेकंड होल्ड रखना है, देन 5 रैप्स 5 सेकंड होल्ड, उस तरह से 15 रैप करेंगे, तैयार हो, देख लीजिए एक बार, दोनों पंजे इतना डिस्टेंस रखना है, दोनों पंजों को दबाना है जमीन में, ब्रीद आउट करके लिफ्ट करना है, पंजे दबा कर रखना है, पंजे को छोड़ नहीं देना है, राइट। इस तरह से पहले 5 रैप करेंगे, फिर 5 सेकंड होल्ड, रेडी, चलिए ब्रीद आउट, पंजे जमीन में दबाओ, बॉडी अपने आप लिफ्ट हो जाएगा ऊपर, धीरे से कंट्रोल के साथ नीचे 1, 2, दोनों राइट एंड लेफ्ट पंजा दबाओ अच्छे से एंड नीचे 3, दोनों पंजे अच्छे से दबाना है एंड डाउन 4 एंड डाउन 5, होल्ड करना 5 सेकंड होल्ड 4 सेकंड 3, 2, 1, नीचे आ जाओ, फ्लोर से टच
ब्रीद आउट, ऊपर जाओ धीरे से नीचे, बैक में आर्च नहीं बनाना है, ब्रीद आउट पंजे दबाकर बैक न्यूट्रल एंड डाउन, थ्री पंजे दबाओ दोनों पंजे, चार बोथ सोल प्रेस्ड टू द ग्राउंड, वन मोर रैप, ब्रीद आउट प्रेस होल्ड देयर 5 सेकंड, चार तीन दो एक, पांच रैप और नीचे जाओ, ब्रीद आउट दोनों पंजे जमीन में दबाओ एंड कम अप, नीचे नीचे नीचे, टू गो अप, कंट्रोल के साथ नीचे जाओ, 2 से 3 सेकंड लगने चाहिए, 3 सेकंड, यस अप धीरे से नीचे, दो और रैप, टू नाइस, एक और पंजे दबा कर रखना, 5 सेकंड होल्ड, 5 सेकंड होल्ड, पंजे दबाओ जमीन में, 4 सेकंड पंजे दबाओ जमीन में, 3 सेकंड पंजे दबाओ जमीन में, 2 सेकंड पंजे दबाओ जमीन में, रिलैक्स धीरे 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 नीचे, यस कैसा लग रहा है, सारा पूरा जो एरिया है वहाँ पर बर्न फील होगा आपको, नाइस। नाउ पुशअप्स, आज वाइड पुशअप्स करने हैं, आप हाथ ऐसे रख सकते हो, ऐसे भी रख सकते हो, जो आपको कंफर्टेबल है वो रखिए, राइट। फुल पुशअप्स नहीं कर सकते हो तो नी पुशअप्स, फुल कर सकते हो तो फुल पुशअप्स, चलिए रेडी, 10 से 12 करेंगे हम, ब्रीथ इन, चलिए पूरा जाना है, यस 10 पुशअप आपके लिए कुछ नहीं है तो सामने देखो, पूरा चेस्ट नीचे लेके जाओ, 3 एंड कम अप, 4 पूरा जाओ नीचे, अगर 10 रैप कुछ नहीं लग से लगते हैं तो पूरा जाओ, 5 6 7 8 9 3 2 1, सुपर सुपर, सारा ये एरिया के अंदर फील होगा। वाइड पुशअप्स डन, रिवर्स टेबल टॉप है, सेम तरीके से करना है, 5+5 सेकंड होल्ड, ये वाला पोजीशन, रेडी, चलिए ब्रीद आउट एंड लिफ्ट अप, 1 डाउन, 2 अप कंट्रोल वे में नीचे, 3 कंट्रोल से नीचे, 4 कंट्रोल से नीचे, 5 होल्ड देयर 5 सेकंड, 4 सेकंड पंजे दबाओ, 3 2 1 नीचे आ जाओ, चलो ऊपर, 5 डाउन, 3 पंजे दबा कर रखना, 2 सोल प्रेस्ड, 1 होल्ड देयर 5 सेकंड, 4 सेकंड, 3 2 1 नीचे आ जाओ, 5 नीचे, 4 नीचे, 3 नीचे, 2 1 और पंजे दबाओ और बॉडी को लिफ्ट करो, 5 सेकंड होल्ड, 4 सेकंड होल्ड, 3 2 1, हास बाय बाय बाय, गुड। अब फॉरवर्ड लंजिस करना है, अभी तक जो हमने किया था वो रिवर्स लंजिस किया था, मतलब आगे से पैर को पीछे रखते थे, राइट, जिसमें स्टेबिलिटी ज़्यादा रहती थी, अब क्या है पैर को आगे रखना है, फॉरवर्ड लंजिस, ये उठाकर जब पैर रखोगे तो बॉडी इनस्टेबल होगा, स्टेबल बनाना है उसको, ठीक है, रखो एंड देन गो डाउन अप एंड बैक, उसी तरह से हमें ईच लेग 10 रैप करना है, बैलेंस बिगड़ता है आपका, हाथ खोल सकते हो और इस तरीके से कर सकते हो आप, रेडी, चलिए ब्रीद इन, लेफ्ट लेग उठाओ रखो डाउन एंड कम बैक, 1 2 एंड कम बैक, 3 रख के होल्ड करना है, जाना है वापस आना है, 5 होल्ड गो डाउन अप, 5 6 नजर 4 से 5 फुट की दूरी पर, 7 गुड, 8 यस, 9
रखो एंड होल्ड, डाउन अप, एक और रखो होल्ड करो, गो एंड कम बैक विथ योर राइट लेग चेंज, वन यस टू थ्री फोर फाइव फाइव रैप्स, ब्रीद इन कंट्रोल से जाओ नीचे एंड अप, चार रैप और विथ कंट्रोल, यस दो और कंट्रोल से, बैलेंस बिगड़ेगा चिंता मत कीजिए, एक और डन, नाइस बाइसिकल क्रंच करना है, वन वन टू टू, टेन रैप्स करना है, रेडी चलिए पोजिशन, वन वन टू टू थ्री थ्री फोर फोर फाइव फाइव सिक्स सिक्स सेवन यस एट गुड नाइन यस सिक्स फाइव फोर स्पीड अप थ्री टू वन, क्या बात है, दस के 15 करवा लिया नहीं, बोनस गुड, बैक एक्सटेंशन है, बैक एक्सटेंशन हमने हाथ को यहाँ रख के किया है ये वाला, बराबर आज बिना कोई सपोर्ट के करना है, हाथ को पीछे ले लीजिए, ब्रीद आउट, बैक के साथ हाथ को भी उठाइए ऊपर, मुंडी नीचे एंड देन कम डाउन, इतना भी उठेगा चलेगा, इतना भी उठेगा चलेगा, लेकिन झटका नहीं मारना है, ऐसे ये नहीं करना है, ठीक है, मसल को इंगेज करके करना है, जितना होता है उतना इस तरह से कर लीजिए, फिर नहीं होता है हाथ का सपोर्ट लीजिए और ऊपर आइए, ठीक है, या फिर हाथ जो आपके यहाँ पर है उसको यहाँ ले लीजिए और हाथ को जमीन में दबाइए, बैक ऊपर आएगा, ये ये ये, चलिए हाथ पीछे उल्टे घुमा दीजिए इस तरह से, 15 रेप्स, ब्रीद आउट एंड लिफ्ट, वन अप एंड डाउन, टू अप एंड डाउन, थ्री खाली बैक उठाना है, मुंडी नीचे, चार पांच टेन नाइन एट होल्ड एंड रेजिस्ट धीरे 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 नीचे, सेवन सिक्स मुंडी नीचे, पांच हेड डाउन, चार तीन दो एक, नाइस रिलैक्स, कट सी लंच करना है, मैट के आगे के छोर पे आ जाइए, जैसे हम रिवर्स लंजेस करते थे, रिवर्स लंजेस में हम स्ट्रेट लेग पीछे रखते थे, कट सी लंज में यही पैर है वो साइड में रखना है इस तरफ, यहाँ वन एंड डाउन, पीछे स्ट्रेट नहीं रखना है, क्रॉस में रखना है, कम बैक, आप ऐसा भी कर सकते हो जैसे मैट के आप एक छोर में हो तो आप ट्राई करो, ये पैर है वो मैट के जस्ट बाजू में रखे हो ऐसे एंड कम बैक, रेडी चले फिर से करेंगे, वन यस टू नाइस, तीन चार से पांच फुट की दूरी पर नजर, चार यस पांच छः यस सात आठ गुड नौ दस, लेग चेंज एंड स्टार्ट, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स फोर, कंट्रोल के साथ नीचे, तीन कंट्रोल के साथ नीचे, दो एक और डन, सुपर
ब्रिज पोजीशन बनाना है, बराबर है। उसके बाद एक लेग सीधा रखो, सीधा रखो, सीधा वापस रखो, इस तरह से करना है हमें। रेडी, चलिए पोजीशन, ब्रीद आउट एंड अप, एक पग सीधा करो वापस। अगर आप डिफ़िकल्ट है दोनों लेग साथ में ले लो, थोड़ा आपको आसानी रहेगी, बराबर। या चैलेंज करना था चाहते हो तो थोड़ा सा खोल लीजिए जो रेगुलर आप करते हो उस तरह से। गो, वन, बॉडी को हिलाए बिना डाउन। टू, बॉडी हिलना नहीं चाहिए, बॉडी आपका हिल रहा है इसका मतलब है मूवमेंट कंपेंसेट हो रही है, मूवमेंट बराबर नहीं हो रही है, मसल डिसएंगेज हो रहे हैं, कोर मसल्स ब्रेस करके रखना है। यस, पंजे दबा कर रखो, जो लेग नीचे उसका पंजा बराबर दबाओ ताकि आपका बैलेंस अच्छा हो जाएगा, मसल इंगेज हो जाएंगे, मूवमेंट बराबर होगा। गुड, फाइव, फोर, थ्री, टू, वन, सुपर, राइट। खड़े हो जाइए, सिंगल लेग काफ रेस अपनी जगह पर, राइट। एक पैर ऊपर उठा लो, वन डाउन, टू एंड डाउन। यहाँ रैप भी कर सकते हो ऐसे, बैलेंस नहीं अच्छा रहता है बिल्कुल भी। वॉल का सपोर्ट ले लीजिए, ठीक है, और सपोर्ट लेकर कीजिए, वन टू। पहले हमारे लेफ्ट लेग से करेंगे हम, चलिए, यस, वन, हाथ खोल भी सकते हो, ज़्यादा अच्छा बैलेंस रहेगा आपका। दो, खोल के करोगे तो भी अच्छा रहेगा। चार, यस, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, लेग बदल दो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, थोड़ा उठेगा चिंता मत करो, छः, नज़र रखो, चार, तीन, दो, एक, बढ़िया। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपका ही बैलेंस बिगड़े, हमारा भी बैलेंस बिगड़ेगा, उसको बैलेंस कर लीजिए, फिर से कंटिन्यू कीजिए, चिंता मत कीजिए। गुड मॉर्निंग, एक्सरसाइज का नाम है, हाँ बताया था आपको, हाथ दोनों कान के पास, ब्रीद इन, चेस्ट अप, पुश हिप्स बैक एंड वापस आ जाइए। 15 रैप करने हैं, कंफर्टेबल डिस्टेंस, हाथ कान के पास, सांस भरो, चेस्ट अप, पुश हिप्स बैक, वन, ब्रीद आउट एंड कम बैक, टू, यस, नी स्लाइटली बेंड हो गए चिंता मत कीजिए, तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तीन, दो, एक, नाइस। लास्ट एक्सरसाइज बाकी है, स्पाइडर प्लैंक, हैंड प्लैंक पता है आपको, दोनों लेग साथ में ले लीजिएगा, ब्रीद आउट, साइड में लाना है, वापस रखना है, टू, तीन, 10 रैप्स ईच साइड करना है। पोजीशन ले लीजिए, हैंड प्लैंक पोजीशन, ब्रीद आउट एंड लेफ्ट साइड लेग पुल इन करो, वन डाउन, टू, यस, पुल इन, टू, नाइस, थ्री, थ्री, फोर, फोर, फाइव, फाइव, सिक्स, सिक्स, सेवन, सेवन, एट, एट, नाइन, नाइन, टेन, 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 माउंटेन क्लाइंबर, राइट, स्पाइडर प्लैंक किया, वापस पोजीशन में आ जाओ, माउंटेन क्लाइंबिंग करेंगे, लेट्स गो, टेन, नाइन, एट, सेवन, सिक्स, फाइव, फोर, थ्री, टू, वन, रिलैक्स, यस, बहुत बढ़िया। शू निकाल दीजिए, पानी पीना है तो पी लीजिए,
आपको पीना है? नहीं पीना है? चलिए खड़े हो जाइए, लेफ्ट हैंड कमर पे, राइट हैंड उठाकर आपके कान से टच, श्वास भरिए और साइड बेंडिंग, ब्रीद आउट एंड कीप ब्रीदिंग। 5, 4, 3, 2 साइड चेंज, हाथ ऊपर कान से टच, साइड बेंडिंग, कीप ब्रीदिंग। 5, 4, 3, 2, 1 वापस आ जाइए। दोनों हाथ से लो बैक को सपोर्ट देंगे, सांस भरेंगे और बैकवर्ड बेंडिंग करेंगे। वो कीप ब्रीदिंग देयर 5 सेकंड 4, 3, 2, 1 फॉरवर्ड बेंडिंग, सांस भरो हाथ ऊपर, ब्रीद आउट एंड फॉरवर्ड बेंडिंग। यस, आ जाइए, गुड। हेड नीचे अंदर ले जाइए, मुंडी अंदर एंड होल्ड देयर 10 सेकंड। यस, बॉडी पूरा ढीला छोड़ दीजिए, काफ में हैमस्ट्रिंग में हो रहे स्ट्रेच को महसूस कीजिए, लो बैक में अपर बैक में हो रहे स्ट्रेच को महसूस कीजिए। 5, 4, 3, 2 स्क्वाट पोजीशन में बैठेंगे हम यहीं पे। दोनों हाथ से घुटनों को ऐसे खोल लीजिए, चेस्ट अप, बैक स्ट्रेट रखने की कोशिश कीजिए, होल्ड हियर। हाँ, नाइस, कीप ब्रीदिंग, कीप ब्रीदिंग, कीप ब्रीदिंग। थोड़ा सा आप लेग को ऐसे मूवमेंट दे सकते हो, यस, ट्विस्ट दे सकते हो, गुड गुड, यस, एकदम डीप स्ट्रेच मिलेगा आपके हीप जॉइंट को, पेल्विक बोन के अंदर, एसिटाबुलम में। हाँ, सुपर, होल्ड कीजिए आप सेंटर में फिर से, 5 सेकंड 4, 3, 2, 1 नीचे बैठ जाएंगे हम। यस, ये वाला जो पैर है उसको ऐसे उल्टा करेंगे, राइट, ये वाले पैर को सीधा करेंगे आज। यस, हिप जॉइंट में डीप स्ट्रेच मिलेगा, यहाँ पर भी स्ट्रेच आएगा, यहाँ पर भी एंकल जॉइंट में भी आपको स्ट्रेच मिलेगा, हिप जॉइंट को स्ट्रेच मिलेगा आपके, राइट, रोटेटर को, नी जॉइंट के पास, एंकल जॉइंट में, तीनों तीन जगह पर स्ट्रेच होगा। यस, सांस लेकर हाथ ऊपर उठाएंगे एंड फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे हम। यस, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, पकड़ के रखिए जस्ट। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 वापस आ जाइए। अब ये जो पैर है उसको ऐसा ही रहने दीजिए, थोड़ा सा साइड में, थोड़ा सा जस्ट झुकिए, यहाँ पर डीप स्ट्रेच मिलेगा सब। गुड, लेग्स को बाहर खोलना है, आपका जो लेग है ना उसको बाहर खोल दीजिए ऐसे, देखिए। यस, बहुत डिफिकल्ट है तो ही अंदर रखना, राइट, नहीं तो उसको ऐसे बाहर रखिए, आप बैंड हो जाइए। यस, रिलैक्स। अब ये पैर सीधा करेंगे और ये वाले पैर को हम मोड़ेंगे, हो सके तो उसका पंजा बाहर की ओर रखना। यस, इस तरह से घुमा दो, अगर आपको दर्द करता है कोई तो उसको उल्टा कर लो, बराबर। ब्रीद इन, ब्रीद आउट एंड फॉरवर्ड बेंडिंग। यस, पकड़ के रखिए, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, यहाँ पकड़ सकते हो तो यहाँ पकड़ लीजिए। 10 सेकंड 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 वापस आ जाएंगे हम। इस तरफ थोड़ा सा झुकेंगे हम,
पाँच, चार, तीन, दो, एक। बहुत बढ़िया, पालथी मार के बैठ जाएंगे, ध्यान करेंगे थोड़ी देर के लिए। गुड, पीठ को सीधी कर लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए, ध्यान आपकी सांसों पर लगाइए। दोनों हाथ की हथेलियों को एक दूसरे के साथ घिसेंगे हम, और अब उसे चेहरे पर लगाएंगे, गर्दन पर, छाती पर, पेट पर, पैरों पर, हाथों पर, पीठ को लगाते हुए एक हल्की सी मुस्कान के साथ आंखें खोलेंगे हम। तो ये था डे 8, दूसरे हफ्ते का पहला वर्कआउट। हम आशा रखते हैं आपको हमारी वीडियो काफ़ी मदद कर रहे हैं आपके गोल्स को अचीव करने में, बराबर। 30 डेज़ की हमारी चैलेंज है 5 किलो की, बराबर। तो 5 किलो के लिए पूरा 500 किलो का जोर लगाना है हमें, राइट। 500 किलो का जोर लगा देना है, जो भी बचा है हमारे अंदर सारा एफर्ट लगाना है, राइट। डाइट पे ऑन ट्रैक रहना है, कोई चीटिंग नहीं करनी है, आने वाले 30 दिन तक बराबर ऑन ट्रैक रहना है, एक्टिविटी में पीछे नहीं पड़ना है, एक्टिविटी में पीछे नहीं रहना है, राइट। हमें यह वर्कआउट के अलावा 1 घंटा वॉकिंग करना है, और 1 घंटा लल्लू जैसा वॉकिंग नहीं करना है, जैसे टहलने गए हो बराबर मॉल में, ऐसे 1 घंटे वॉक नहीं करना है, 1 घंटा सीरियस वॉक करना है। 1 घंटे में आप कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस कवर करने में, बराबर। जैसे जैसे आपकी फिटनेस बढ़ेगी आप ज़्यादा तेज चल पाओगे, और अगर प्लाटो ब्रेक करना है, जो वेट लॉस अटक गया है उसको ब्रेक करना है, तो हमें स्पीड में चलना होगा। अब जो पहले चलते थे उतना ही चलोगे तो रिजल्ट नहीं मिलेगा, बराबर। या तो आप उसका ड्यूरेशन बढ़ा दीजिए, यानी कि 1 घंटा चल ही रहे हो, मान लो आप 1 महीने से, तो 1 घंटे के बदले 1 घंटा 15 मिनट चलिए, या फिर आप वही 1 घंटे में आपकी स्पीड बढ़ा दीजिए, राइट। तो आपको ज़्यादा कैलोरीज बर्न कर पाओगे, हमारा जो रिजल्ट हमको लाना है 1 महीने में 5 किलो वेट लॉस, उसको अचीव कर पाओगे। चलिए मिलते हैं कल डे 9 में, तरुणा सिंह गोहिल के साथ हमें कार्डियो करना है। तो आज डाइट अच्छे से फॉलो करना, अच्छी नींद लेना, 1 घंटे का वॉक सोने से पहले कर लेना, और अच्छे तरोताजा होकर कल करते हैं फुल बॉडी कार्डियो विद वन एंड ओनली तरुणा सिंह गोहिल। चलिए मिलते हैं कल के वीडियो में। आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो ऑन बींग द फिटेस्ट।